ओम श्री विद्याय नमः। देखे मित्रों, धनतेरस वाले दिन यम का एक दीपक जलाया जाता है। वह क्यों जलाया जाता है? दरअसल इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, और नरक चतुर्दशी पर घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो वृद्धावस्था में है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी होती है और शाम के समय यमराज की भी पूजा होती है। घर के दरवाजे पर यमराज का दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि इस दीपक को जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा पूरे परिवार के ऊपर से टल जाता है। अब नरक चतुर्दशी का त्यौहार धनतेरस के अगले दिन मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। चतुर्दशी तिथि पर नरकासुर का वध होने के कारण इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा गया है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है और शाम के समय यमराज की पूजा की जाती है। घर के दरवाजे पर यम दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि इस दीपक को जलाने से अकाल मृत्यु का खतरा परिवार के ऊपर से टल जाता है। जानिए इसकी वजह और जीवन के हर खतरे को टालने वाले इस महा उपाय को करने का तरीका। घर का बुजुर्ग करें ये उपाय, जो घर के बड़े हैं उनको जरूर करना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाया जाता है और इसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। ज्योतिषाचार्यों के ये मत हैं कि यम के दीपक को परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को जलाना चाहिए। इससे उसके सभी बच्चे और परिवार के जन अकाल मृत्यु के संकट से मुक्त हो जाते हैं। यम दीपक के अलावा भी एक चौमुखी दीपक घर के बुजुर्ग को इस दिन जलाना चाहिए और इसे जलाने के बाद घर के हर कोने में घुमा देना चाहिए। इसके बाद प्रभु से परिवार की हर बला को, हर संकट टालने की प्रार्थना करनी चाहिए और इस दीपक को घर से कहीं दूर स्थान पर जाकर रख के आ जाना चाहिए। इस महा उपाय से अकाल मृत्यु ही नहीं, परिवार पर आया हर तरह का संकट टल जाता है। क्यों जलाया जाता है यम दीपक, आइए जानते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन यम दीपक जलाने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये क्यों जलाया जाता है। तो ज्योतिषाचार्य और वैदिक शास्त्र में बताते हैं कि इसको लेकर के एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से पूछा कि क्या कभी किसी के प्राण हरते हुए तुम्हें दया आई है, मुझे सच सच बताना। इस पर यमदूतों ने कहा कि राजा, हमा के पुत्र के लिए ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वो अपनी शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा। पुत्र की सुरक्षा के लिए राजा ने उसे यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रहने के लिए भेज दिया, ताकि कोई स्त्री उसके आसपास भी न भटक सके। लेकिन एक बार एक दिन राजा हंस की युवा पुत्री यमुना के तट पर पहुंची गई। राजा हिमा का पुत्र उस पर मोहित हो गया और उससे गंधर्व विवाह कर दिया। लेकिन जब चौथे दिन उसकी मौत हुई तो राजकुमार की पत्नी का विलाप देखकर हम भी कांप गए। इतनी सुंदर जोड़ी हमने आज तक नहीं देखी थी। तब यमदूतों ने यमराज से कहा कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय है कि लोग खुद को अकाल मृत्यु से बचा सकें? इस पर यमराज ने कहा कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जो भी हमारा विधिवत पूजन करेगा और घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाएगा, उसके घर में सभी सदस्य अकाल मृत्यु से सुरक्षित रहेंगे। तब से हर साल नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के नाम से यह दीपक दरवाजे के बाहर जलाया जाता है। यम दीपक जलाने का क्या तरीका है? नरक चौदस के दिन गोधूली बेला में इस दीपक को घर की बुजुर्ग महिला को जलाना चाहिए। दीपक के जलने के बाद आसपास किसी को नहीं जाने देना चाहिए। दीपक जलाने के बाद घर के बच्चों या बीमार लोगों की कुशलता और आयु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और जब तक दीपक विदा न हो तब तक वहीं पर रह करके दीपक को सुरक्षित रखना चाहिए। जब तक दीपक पूरा न हो तब तक वहीं बैठ करके दीपक के पूरे होने का इंतजार करना चाहिए और जब दीपक पूरा हो जाए तो उसे उठा करके घर के अंदर वापस लेके आ जाना चाहिए। इस प्रकार से सभी की घर के अंदर अकाल मृत्यु दोष दूरी होता है और जो महाकाल हैं यमराज, उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करें एवं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्यायै नमः।